आप लोगों के बहुत उत्सुकता है, मैं जानता हूँ सवाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पचासों की संख्या में है, एक ही सवाल रिपीटेड करेंगे आप तो हमको परेशानी होगी, आपस में समझ भी होगी। आप सबों के मन में ये सवाल है कि मैंने VRS लेकर के एक राजनीतिक दल का सदस्य बना, ज्वाइन किया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता उनको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ, उनकी पार्टी का अनुशासन सिपाही हूँ। मेरे VRS लेने और पार्टी की सदस्यता को लेने से उसको सीधे चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, मैं हमेशा कहता रहा चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा, राजनीति में बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं NDA के साथ हूँ, NDA के साथ रहूँगा, और जहाँ भी पार्टी NDA मतलब नीतीश जी का जहाँ भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूँगा, प्रचार में जाने की जरूरत होगी तो प्रचार भी करूँगा। अब तो मैं स्वतंत्र हूँ और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो पॉलिटिक्स में सबकी भूमिका निर्धारित होती है। अब पार्टी मेरी जिम्मेदारी तय करेगी और जो जिम्मेदारी तय करेगी उसको निष्ठापूर्वक मैं उसको निभाऊंगा। मैं आपकी जिज्ञासा होगी तो मेरे बारे में NDA के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है, बारे में कुछ नहीं। पुलिस को महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया, शायद ये वजह रही आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये वजह तो कुछ भी रही हो, या बड़े नेताओं के बीच की बात होगी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सुशांत के मौत के प्रकरण में मैंने जो भी किया उसमें मैंने न कोई गलती की न उसका मुझे कोई अफसोस है, मैंने चार ही काम किया। जब उसके पिता वहाँ की इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं हुए तो यहाँ उन्होंने FIR करने की इजाज़त मांगी, हमने FIR करवा दिया, और FIR होने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है, जो FIR करता है उसको अनुसंधान करना पड़ता है, तो मैंने अपनी टीम भेज दी। उस टीम के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया उसको पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह हमारे अधिकारियों को हुमिलिएट किया गया। महाराष्ट्र पुलिस को हमने बेइज्जत नहीं किया, हम तो हमेशा से कहते रहे कि पूरे देश की पुलिस एक है और आपस में एकता और सॉलिडरिटी दिखाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी बिहार की पुलिस को बदनाम किया और बेइज्जत किया महाराष्ट्र की पुलिस, चार हमारे अधिकारी गए उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या, अनुसंधान के लिए गए तो उनको वाहन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी क्या, उनके साथ बैठ करके इज्जत से बात नहीं करनी चाहिए थी क्या, अनुसंधान उन्होंने क्या किया है उसके बारे में शेयर नहीं करना चाहिए था क्या, उन्होंने कुछ नहीं किया और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से धक्का मार करके कैदी बांध में बैठा करके उनको भगाया गया। उसके बाद भी मैं सोशल मीडिया में जब मुंबई पुलिस के खिलाफ आक्रोश आने लगा तो मैंने खंडन किया, मैंने कहा कि नहीं ये कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, महाराष्ट्र पुलिस ने हमारे अधिकारियों को बेइज्जत नहीं किया, लेकिन मुझे लग गया कि बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, इसलिए बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने एक बड़े अधिकारी को भेजा। क्योंकि जिस आपने पहले भी कहा कि आप जो कुछ भी बोलते रहे हैं बिहार को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पे, आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा था बोलने के लिए, तो कहीं ना जब आप अकेले में जाके मिलते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, VRS लेते हैं, लोगों को उम्मीद थी, आपको भी उम्मीद थी, तभी आप इतना बड़ा स्टेप लिए होंगे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप ठगे गए? नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं हैं। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है, ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना, लेकिन सर आपको बोले चुनाव लड़ेंगे तभी आप ज्वाइन किए थे। मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि राजनीति में मैं आया था इसलिए कि चुनाव लड़ूंगा, मैंने हमेशा कहा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, लेकिन दूसरी जो बात कही वो आपने नहीं सुनी, पहली बात पकड़ ली। मैंने भी कहा
कि राजनीति के समीकरण ऐसा होते हैं कि कभी कभी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें मूव नहीं कर पाए, उसमें हेर फेर हो जाता है। तो ये बात समझने की है, इसमें हताशा और निराशा वाली बात तो और ठगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं उनके साथ था, उनके साथ हूँ, एनडीए के साथ था। थैंक यू। भेजा चिट्ठी लेकर भेजा, सूचना दे करके भेजा, भाई ये जा रहे हैं केस को लीड करने के लिए, आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए, आप इनको आईपीएस में रहने की जगह दीजिए, इनको वाहन की सुविधा दीजिए। आपने दिया तो कुछ नहीं, आईपीएस मेस तक नहीं दिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि किसी देश का कोई आईपीएस पदाधिकारी किसी प्रांत में जाए और सरकारी काम से जाए, सूचना दे करके जाए और आग्रह करके जाए और उसको आईपीएस मेस में रहने की व्यवस्था ना की जाए। तो अपनी व्यवस्था से कहीं ठहरा, तो अपनी व्यवस्था से कहीं ठहरा तो मध्य रात्रि में जा करके उसको ठप्पा लगा करके चोर की तरह जैसे कैदी को लगाते हैं उस तरह क्वारंटीन कर दिया आपने, कि आप बाहर नहीं निकल सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, किसी को बयान नहीं दे सकते। ये कितना ह्यूमिलिएटिंग है, कोई बता दे कि आजादी के बाद आज तक ऐसा हुआ है, कोई बता दे कि किसी आईपीएस ऑफिसर के साथ किसी भी प्रांत में आजादी के बाद ऐसा हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। बिहार में भी हर दूसरे दिन दूसरे प्रदेश के पुलिस अधिकारी आते हैं, छोटे छोटे पदाधिकारी आते हैं, हर सुविधा हम लोग देते हैं, गाड़ी की सुविधा देते हैं, वाहन की सुविधा देते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, जहां छापेमारी करनी होती है उनके लिए बल्ब की व्यवस्था करते हैं, सब करते हैं, एक भी कोई शिकायत करने वाला मिलेगा। और जब मैं डीजीपी था तब नहीं, हमारे पहले के भी डीजीपी थे, उनके टाइम में भी हमेशा बिहार पुलिस ने सहयोग किया। और हमारे लोग जब गए, उनको ठीक है, उनके मन में ये बात थी कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, हमको अनुसंधान करने का अधिकार नहीं है, तो बहुत साधारण सी बात थी। 12 बजे रात में जा करके चोर की तरह क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं थी, वो तो 2 लाइन की चिट्ठी सुबह 8 बजे उसको दे देते, बुला करके कह देते भाई हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे।